नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के उदयपुरा में आयोजित विकास पर्व में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हित लाभ किए वितरित। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारिक प्रतिनिधियों से की चर्चा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की भोपाल पहुंचने पर केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अगवानी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज भोपाल में व्यापारिक समुदाय से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने सभी वर्गों को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। जीएसटी नागरिकों की गरिमा बढ़ाने वाली व्यवस्था साबित हुई है। उन्होंने व्यापारिक समुदाय से आग्रह किया कि वे टैक्स की चोरी करने वालों का पर्दाफाश करें, उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से बिल दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नया भारत बनाने का संकल्प लिया है, संगठित व्यापार के माध्यम से प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में अपना सहयोग दें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री जयंत मलैया, राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, विभिन्न व्यापारी संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के उदयपुरा में 156 करोड़ की लागत की समूह पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से 107 गांवों की 1.5 लाख आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 88 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 7 कार्यों का लोकार्पण और 83 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि के 20 कार्यों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह थी कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा नदी के किनारे बसे 39 शहरों में 944 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं का ई शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में जिले के 1,46,000 हितग्राहियों को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के करीब 109 करोड़ रुपए के हितलाभ से लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हो जाती, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। इस अवसर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कुसुम महदेले, लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह सहित किसान और विशाल जनसमुदाय उपस्थित हुआ। राज्य की साहित्य अकादमी संस्कृति परिषद भोपाल की पुरस्कार योजना में विभिन्न विधाओं में प्रकाशित श्रेष्ठ कृतियों के लिए अखिल भारतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए और प्रादेशिक पुरस्कार 51,000 रुपए देती है। साथ ही प्रदेश के रचनाकारों को श्रेष्ठ पांडुलिपियों को 20,000 रुपए अनुदान दिया जाता है। संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा ने साहित्य अकादमी के वर्ष 2017 के लिए 5 अखिल भारतीय, 9 प्रादेशिक पुरस्कार और 40 पांडुलिपि सहायता अनुदान देने की घोषणा करते हुए देश और प्रदेश के पुरस्कृत रचनाकारों को बधाई दी। विकास पर्व के अवसर पर प्रदेश के आयुष, कुटीर एवं ग्रामोद्योग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने शुक्रवार को पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम नरसिंहपुर में जिले के 24 ग्रामों की मुख्यमंत्री ग्राम नल जल योजनाओं का भूमि पूजन किया। इन नल जल योजनाओं पर 15,11,58,000 रुपए की लागत आएगी। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएसटीवी। नमस्कार।